फ्रेंड्स, लेट्स एक्सरसाइज 2.5। यस, क्वेश्चन नंबर 5 एंड फर्स्ट पार्ट वी हैव डन राइट। नाउ आई टोल्ड यू टू डू सेकंड पार्ट योरसेल्फ। लेट अस डिस्कस द सेकंड पार्ट इन द क्लास आल्सो। The question. Now again, you can see from the question what type is this. We have seen something like this. So this one plus x y c. It means from the question it should be clear to you that it is of the form that is e a plus b plus c plus x plus b plus c plus one between it. Yes. Now. We have to make it whole square. It is only two. What is two? Agar four hai, kitne hai? Two into two. Right? Four. Aur agar two hai, to make something hai. Two into two. Yes. वेरिएबल है नेगेटिव में उसके साथ माइनस लगाएंगे। यस आरजू मैम, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। हाउ इज इट क्लियर? यस मैम। फाइन। सो बेटा, वी हैव मेड 2x स्क्वायर को हमने लिखा रूट 2x स्क्वायर y square and 8 को लिखा 2 root 2 z whole square. Further we saw that there are two terms with negative sign और दोनों में common variable क्या है x. तो जो x वाले term है उसके आगे क्या लगा दिया है minus sign. ठीक है. Now it is a square plus b square plus c square plus 2ab. A क्या है अब? This is a, this is b and this is c. So what is our a? Minus root 2x 2ab plus 2bc. B क्या है? y.
and C is 2√2z plus 2ca. C क्या है? 2√2z और A क्या है बेटा? माइनस रूट टू एक्स. समझ आ गई बात? पहले आपने ए बी सी फाइंड कर लेना होल स्क्वायर करके, फिर टू के साथ ए बी लिख को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर बी सी को, फिर सी ए को. और अगर दो टर्म्स में नेगेटिव है तो जो कॉमन वेरिएबल है उस टर्म के साथ आपने क्या लगा देना है? माइनस. माइनस लगाओगे तभी आपका जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई होगा. जैसे अब ये देखो, क्या ये बनता है फर्स्ट टर्म? टू रूट टू एक्स वाई विद नेगेटिव साइन. यस, माइनस टू रूट टू एक्स वाई. टू टू जा फोर, फोर रूट टू वाई जेड बन गया पॉजिटिव फोर रूट टू वाई जेड. टू टू जा फोर, रूट टू इंटू रूट टू इज एट. सो फोर टू जार एट जेड एक्स विद माइनस साइन. सो वी हैव जस्ट चेंज द फॉर्मेशन ऑफ आर क्वेश्चन. हमारे पास ऐसे कंबाइन करके था, हमने अपनी आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड बना दी. तो यूजिंग दैट आइडेंटिटी नाउ यू विल राइट हियर यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर. वी गेट, हमारा आंसर क्या आएगा? ए क्या है? माइनस रूट टू एक्स. हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हमने आंसर किस फॉर्म में देना है? राइट हैंड साइड की फॉर्म में. अब हमारा ए क्या है? माइनस रूट टू एक्स प्लस बी, बी इज वाई प्लस सी इज टू रूट टू जेड होल स्क्वायर आंसर. इसको आप खोलकर चाहे ना लिखो, सीधा इतना लिख दो, देन आल्सो इट इज ओके. आई होप इट इज क्लियर. Yes, Dhiren, unmute yourself and speak. Ma'am, अगर A और B और C के तीनों के variable same होते हैं, तो फिर हमें minus का sign किस पे लगाना चाहिए? Variable same नहीं होंगे ना बेटा? Variable same नहीं होंगे. तीनों अलग अलग variable हैं. X, Y, Z, A, B, C, P, Q, R. All the three variables of all the three terms will be different. Same नहीं होंगे. Okay. And students, please be in time from tomorrow. Aaj bhi 3-4 minute late ho. I start at 8:30. Fine. Then if your any sum is missed, that then you have to see. You can see the recording video. But usme kaun dekhta hai? Pata hi hai hume kitni ki video aap log dekh rahe ho. Theek hai? So don't miss your beginning of the period. Be on time. आराम से, कल भी बोला था 8:25 पे रेडी रहा करो अपनी क्लास कराने के लिए. आई होप यू हैव नोटेड. धीरेन, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट अर्लियर एज यू वर टेकिंग एंड सेंड इट इन द ग्रुप. यस रेणुका, बोलो, अनम्यूट एंड स्पीक अप. ऑल राइट, आगे देखेंगे स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 इट इज ए प्लस बी होल क्यूब एंड ए माइनस बी होल क्यूब. क्वेश्चन इज टू एक्स प्लस वन होल क्यूब. लिसन बेटा, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं थर्ड पार्ट करवाती हूँ, ठीक है? 3/2x + 1³. यहाँ फ्रैक्शन है इसलिए ये वाला पार्ट हम डिस्कस कर लेंगे. तो फर्स्ट वाला पार्ट आपको बहुत इजी लगेगा, दैट यू विल डू योरसेल्फ. नाउ यू कैन सी इट इज ए प्लस बी होल क्यूब. वी हैव लर्न द आइडेंटिटी, लेट अस रिवाइज. यू थिंक a plus b whole cube. Can anyone tell me the identity? A plus b whole cube. Yes, Divya, unmute and speak up.
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी. यस इट इज ए प्लस बी होल क्यूब. इज एवरीवन लोअर योर हैंड. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी. आप चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर. हम वैसे करेंगे कैसे ब्रैकेट, क्योंकि अगर आप थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी करते हो फिर लास्ट में आपको अपनी ब्रैकेट खोलनी ही पड़ेगी. दैट विल बी योर एग्जैक्ट आंसर. फाइन. सो इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर. पॉजिटिव वाले में सारी टर्म्स के साथ पॉजिटिव है, पहले ए स्क्वायर बी फिर ए बी स्क्वायर. सो देयरफॉर 3 बाय 2x प्लस 1 होल क्यूब इट विल बी. व्हाट इज ए? ए इज 3 बाय 2x. 3 बाय 2x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी. ए स्क्वायर मीन्स 3 by 2x square, b is 1, plus 3ab square. A is 3 by 2x, b is 1, b ka square means 1 ka square. Okay, ab hum isko solve karenge. थ्री क्यूब. अब द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स द स्टूडेंट्स डू इज नाउ वी आर हैविंग क्यूब बट बाय मिस्टेक यू पीपल डू द स्क्वायर. नाइन लिख देते हो. आपने ध्यान से केयरफुली करना. इट इज क्यूब नॉट स्क्वायर. थ्री क्यूब. थ्री थ्री इज अ नाइन. थ्री इज अ 27 ओवर टू. टू इज अ 4. टू इज अ 8. एक्स क्यूब प्लस 1. थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर 9 ओवर 4. x square plus 9 by 2 x. Look here, 3 ka square 9, 2 ka square 4, x ka square x square into 1. So, wo likhne ki zarurat nahi hai. Plus 3 3 is a 9 by 2 x. 1 ka square 1, so that is also no need to write. Further, answer is 27 by 8 x cube plus 1. 9 threes are 27 by 4 x square plus 9 by 2 x. So this is the answer. जरूरी नहीं है कि x की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आप लिखो. लिख भी सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो. टर्म्स भी ऑल द फोर टर्म्स शुड बी देयर. यस दिव्या, पूछना कुछ? हाँ जी बेटा, पूछना है? ऑल राइट. सो सिमिलरली फर्स्ट पार्ट दैट यू आर गोइंग टू डू योर सेल्फ. नाउ वी आर गोइंग टू डू द फोर्थ पार्ट. At, that is x minus 2 by 3 y whole cube. Now this is which identity? A minus b whole cube. So let's start. Clearly it is the identity of a minus b whole cube. A minus b whole cube is a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. Right? इसमें क्या है? पहले a cube, उसके बाद minus minus, फिर last term में plus है. क्योंकि अगर हम करते हैं
बोर्ड पे देखो आइडेंटिटी बेटा आपने लर्न करनी है, जैसे a माइनस बी होल क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। अगर प्लस माइनस की कंफ्यूजन हो जाए तो इस तरह से आइडेंटिटी लिख सकते हो, पहले इसमें हर जगह माइनस है, फिर फर्दर आप जब इसको खोलते हो थ्री ए स्क्वायर बी माइनस माइनस थ्री ए बी स्क्वायर, लास्ट टर्म में क्या हो जाता है प्लस। फाइन, नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए इज एक्स एंड बी इज टू बाय थ्री वाई। Now here the value of b is not minus 2 by 3y. बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये जो माइनस है ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया, इस माइनस की वजह से यहां यहां माइनस आ रहा है। फर्दर आप अपनी मर्जी से b को माइनस 2 by 3y नहीं लोगे, ये है a और ये है b, ये माइनस फॉर्मूला लगाया है तो वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा एडजस्ट हो गया, राइट? So, a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 2 by 3 y. Let us put x cube minus 2 by 3 y cube minus 3 into a square into b plus 3 into a into b square. X cube minus 2 cube 8, 3 cube 27, y cube minus 3x square, ये 3 3 के साथ cancel हो जाएगा, यहीं पे कर दो, it will be 2x square y plus 3x into 4 by 9 y square. I hope everyone is getting, it is just the calculation. ठीक है? Then if the answer is x cube b 3s are 9, so it will become plus 4 by 3 xy square. Note down. Yes, Aparan. 1 minute. मैम ये वाले क्वेश्चन में वहां पर 3 कट नहीं हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 3 था, ऊपर भी एक 3 था, यहाँ? यस मैम, 3 के साथ बेटा 9 था ना, 3 और यहाँ 9 था, 3 स्क्वायर 9, तो 3 को 9 के साथ काट कर 3 आया, ओके? So now we have next question number 7, 99 cube. We have to solve it by using the identity. You can, now it is your wish. Either you write 90 plus 9 whole cube, so a plus b whole cube ka formula ban jayega. Otherwise, we will write it as 100 minus 1. Isse calculation easy hoti hai. Na 99 khatam ho gaye na. So again, which identity it is? A minus b whole cube, that is a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. So now let us put the value of a and b. The value of a is 100 and the value of b is 1, not minus 1. Fine. Put the values.
100 स्क्वायर मींस 4 जीरोस, 3 के साथ 4 जीरोस प्लस 300, 1 का स्क्वायर 1, तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट दैट। नाउ पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस कर दो, 1 300 माइनस, अब माइनस करेंगे, right 970 299 is the answer. No done. Yes, Aditya. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, वो जो गलत है इसमें मैम, मेरा एक डाउट है इसमें, जो ये वाला है ना पार्ट 3 × 100 रेस्ट पार्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसमें 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो फिर 1 × 3 3 नहीं हो जाएगा यहाँ? यस मैम। बेटा 300 का तो स्क्वायर क्या होता है? 10,000? ओह मैम समझ आ गया, मैम आ गया, समझ आ गया, मेरे को गलत लग गया, गलत लग गया था। यस मैम, वो मैंने कुछ और ही सोच लिया था। यस मैम। ओके, वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा ना, तो वो तो फिर 3 लिखा ही है। सो सेकंड एंड थर्ड पार्ट यू आर गोइंग टू डू योरसेल्फ। सेकंड में कर देना 100 प्लस 2 क्यूब, और थर्ड में कर देना 1000 माइनस 2 होल क्यूब, एंड इन वन उसमें ए प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, उधर ए माइनस बी क्यूब की। ठीक है, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट, नाउ सी दिस क्वेश्चन, फैक्टराइज। नाउ यू कैन सी, आपने क्वेश्चन देखा, आपने देखना है कि इसको कैसे फैक्टराइज करें, ये कौन सी आइडेंटिटी से रिलेट कर रहा है। So, हम देखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ए क्यूब बी क्यूब ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, ऐसा है ना। तो यहां से हमें क्या क्लियर होता है कि ये कैसी आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, दिस इज दी विच आइडेंटिटी, इट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब। मीन्स जैसे अब हमें क्या गिवन है, पिछले क्वेश्चन में हमें ए प्लस बी होल क्यूब लेफ्ट हैंड साइड गिवन थी, हमने उसकी आइडेंटिटी लगा के राइट हैंड साइड फैक्टराइज किया, राइट। अब अगर हमें राइट हैंड साइड गिवन है तो उसको हमने इस तरह से फैक्टराइज करना है, सो एज टू रीच टू अवर लेफ्ट हैंड साइड, मींस वी वांट द वैल्यू ऑफ ए एंड वी वांट द वैल्यू ऑफ बी। कैसे करेंगे, ए क्यूब, 8a क्यूब को लिख सकते हो बेटा 2a होल क्यूब, क्योंकि अब क्यूब है एंड 2 इज द क्यूब ऑफ 8, सो इट कैन बी रिटन एज 2a होल क्यूब प्लस b क्यूब। अब हमें यहां से हमारा a और b पता चल गया, जब a और b पता चल जाता है फिर ऊपर वाले टर्म्स को देखकर स्प्लिट नहीं करना, अपना फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, यहां पर तुम्हारा a क्या हो गया 2a, b क्या हो गया b। अब तुमने बिना ऊपर देखे अपना फॉर्मूले में a और b फिट कर देना, जब वो फिट कर दोगे उसके बाद आप देखोगे कि क्या क्वेश्चन के साथ वो जस्टिफाई हो रहा है,
क्योंकि इसको देख के स्प्लिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी, थ्री ए स्क्वेयर बी होता है। ए क्या है, पहले आपने आइडेंटिटी लिखी, आइडेंटिटी ऊपर लिख लो तो समझ आ जाएगी, साइड पे भी लिख सकते हो। इट बिकम टू ए होल क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी, ए इज टू ए तो टू ए का स्क्वेयर और बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वेयर। अब ये देखो और लिख देखना, चेक करना है, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व ए स्क्वेयर बी आ गया, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स ए बी स्क्वेयर। वी हैव चेंज द फॉर्मेशन, इसका मतलब ये हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है विद द वैल्यू ऑफ ए एज टू ए एंड बी एज बी। So using a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square, we get the answer 2a plus b whole cube answer. Note down. Yes, मैम अगर सिंपलीफाई लिखा हो तो फिर हमें फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। दोबारा बोलो, सिंपलीफाई लिखा हो तो हमें फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखा हो ऐसे ही करना है। ओके मैम, फैक्टराइज ही लिखा होगा, सिंपलीफाई फैक्टराइज वन एंड द सेम थिंग, ऐसे ही करना है। हाँ जी आरजू, आप बोलो। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो बेटा, सेकंड पार्ट में अब हमारा यही टर्म्स है बट माइनस है। एट ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ट्वेल्व ए स्क्वेयर बी प्लस सिक्स ए बी स्क्वेयर। तो अब यहां पर क्या है, माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी होल। आई होप इट इज क्लियर। दो टर्म्स के साथ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव वाला फॉर्मूला बन गया। बोर्ड पे देखेंगे सारे, एट ए क्यूब को हमने लिखा वैसे ही टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर। ये सब माइनस प्लस माइनस में हो गया तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर अब क्या आएगा, थर्ड पार्ट करेंगे बेटा। अब आप कहोगे कि यहां पर जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में ए क्यूब और बी क्यूब था, यहां पर ए का क्यूब तो है लेकिन ये एक कांस्टेंट है,
लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे कोई और वेरिएबल ही नहीं है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है. सो अगेन हेयर वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस आइडेंटिटी. ये a माइनस बी होल क्यूब का राइट हैंड साइड है. कैसे बोर्ड पे देखेंगे, ट्वेंटी सेवन को बेटा हम लिख सकते हैं थ्री क्यूब. अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है दैट इज ओनली दैट डज नॉट कंटेन एनी वेरिएबल, सो इट इज ओके. ए क्यूब माइनस 125 इज द क्यूब ऑफ 5, सो इट कैन बी रिटन एज माइनस, बाहर ही है माइनस 5 ए होल क्यूब. आई होप इट इज क्लियर. 5 ए होल क्यूब. अब आपको पता चल गया, आपको ए मिल गया, ए आपका क्या है 3 और बी आपका क्या है 5 ए. ए क्यूब माइनस बी क्यूब. अब ऊपर नहीं देखना, इसमें ए और बी की वैल्यू फिल करो. माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का. अब देखो सेटिस्फाई हो रहा है. 3 स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा 135 होता है. 135 ए यही आएगा. प्लस 5 5 जा 25, 25 इंटू 3 3 जा 9, 25 इंटू 9 होता है 225 ए स्क्वायर. हमेशा वो सेटिस्फाई करता ही है. सो अगेन व्हाट वी हैव गॉट द राइट हैंड साइड दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर. So by this identity, we got the answer A is 3 minus B is 5A. बस A और B ध्यान से देखना है, बाकी तो बहुत सिंपल है. Okay. Next part we are going to discuss tomorrow, beta. You can try fourth and fifth part. But we are going to discuss in the class also. And students, send your holidays homework. Today is the last day. If anyone will send tomorrow, 100% that child is not going to get the marks. Phir aapka homework kiya sab waste hai. You know, earlier also when you used to come in the school, holidays ke baad beta, vacations ke baad, first 2 days hi aapke homework accept hota tha. So send your PDF, those who have not sent. And any doubt you can ask. Okay. So time is over. See you tomorrow, beta. Take care.